तो गाइस सभी का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। और आपने पिछले वीडियो में देखा था कि एडम ने एमसी स्टैन की गाड़ी चोरी करके रेड क्रिमिनल को दी थी, और आज की वीडियो में इसकी आगे की स्टोरी कंटिन्यू करूंगा। अगर आप लोगों ने पिछली स्टोरी नहीं देखी थी तो जाके देख लेना जरूर से। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अभी रेड क्रिमिनल बच्चों वाली हरकतें क्यों कर रहा है? ये गाड़ी को बाहर मत ले जा, ये 80 करोड़ की गाड़ी है और ये गाड़ी को मैंने अभी चोरी की है, तो पुलिस वाले इसको ढूंढ रहे होंगे। एडम मुझे तो ये गाड़ी चलानी है, ये 80 करोड़ की गाड़ी है एमसी स्टैन की। भाई ये कितनी अच्छी होगी अंदर से, और टेंशन मतलब ज्यादा दूर जाऊंगा नहीं, कोई भी मुझे पकड़ नहीं पाएगा, क्योंकि डॉन कहते हैं मुझे, डॉन, वो भी ढोलकपुर का डॉन। पता नहीं गाइस अब इसके साथ क्या होगा। A few moments later. Guys, काफी टाइम हो गया, रेड क्रिमिनल बोला था थोड़ी देर घूम के आ जाएगा, पर अभी तक नहीं आया। वो कहाँ होगा उसकी तो चिंता हो रही है मुझे। गाइस किसी का फोन आ रहा है। एडम भैया, एडम भैया। अरे रेड क्रिमिनल की आवाज लग रही है। भैया मैं ही हूँ और मुझे पुलिस वालों ने पकड़ लिया है, मुझे बचाओ। अरे रुक जा रुक जा, अरे काट क्यों दिया फोन? लगता है गाइस उसको पुलिस वालों ने पकड़ लिया। यार मैंने उसको पहले ही बोला था कि संभल के जाना, अब उसको कैसे भी करके मुझे बचाना पड़ेगा। और मेरे पास खाली एक ही गाड़ी है, क्योंकि हमारी निंजा H2 तो उधर रह गई थी, और ये गाड़ी तो देखो बस KTM है मेरे पास। और गाइस ये KTM खरीदने की कितनों की विश होगी गाइस, ये बात तो कमेंट में जरूर से बताना। और ये गेट किसने बंद कर दिया और खुल भी क्यों नहीं रहा ये? चलो यार हमें कोई नहीं रोक सकता, गेट को ही ठोक दूंगा। अरे देखा गाइस, ठोकने के बाद ये अपने आप ओपन हो जाती है। और गाइस हमारे रेड क्रिमिनल के पास जो गाड़ी थी वो 80 करोड़ की थी, मतलब कि गाइस वो गाड़ी तो एमसी स्टैन की थी। और उस गाड़ी के चोर को भाई पुलिस वाले तो नॉर्मल पुलिस वाले तो नहीं पकड़े होंगे, गारंटी आर्मी वालों ने ही पकड़ा होगा। तो यार हमारे रेड क्रिमिनल को बचाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा, तो पहले तो मुझे कोई गन वन लेनी पड़ेगी, क्योंकि बिना हाथ बिना गन के जाऊंगा तो वो लोग आराम से मुझे मार देंगे। और गाइस पुलिस वालों को पता चल गया था कि मैंने पिछली बार मैंने जो चोरी की थी वहां से मतलब कौन से जगह से मैंने गन खरीदी थी, तो वो वाली जगह बैंड हो चुकी है, तो मुझे दूसरी जगह से अब गन खरीदनी पड़ेगी। और ये वाली जगह के बारे में बहुत ही ज्यादा कम बंदों को बताया। तो गाइस मैं इधर आ चुका हूँ, तो चलो गाइस अंदर चलते हैं और देखते हैं गाइस कैसी कैसी गन है। और गाइस मुझे बहुत ही अच्छे अच्छे गन सिलेक्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि गाइस आर्मी होगी मेरे सामने। तो गाइस फाइनली मैंने गन भी खरीद ली है, और मैंने क्या क्या गन खरीदी आपको देखना है। तो गाइस मैंने फर्स्ट तो AK-47 खरीदा है, और दूसरा स्नाइपर खरीदा, क्योंकि गाइस दूर से स्नाइपिंग करना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर मैं पागलों की तरह अंदर मतलब AK-47 लेके घुस गया और उनको भाई उनके पास तो मतलब ऐसी ऐसी गन होगी ना जहां पे मेरी AK-47 कोई काम की नहीं होगी, और मैं उधर अकेला होऊंगा और सामने होंगे 50 से 60 बंदे, मतलब गाइस मैं क्या ही कर लूंगा उनका। फिर गाइस देखो यार मैंने गन ले ली है, मेरे पास बाइक है, पर लेकिन एक सेकंड मैं तो भूल ही गया जाना कहां है मुझे। गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन। कोई नहीं यार, जहां से फोन आया था उधर के आसपास में ही शायद रेड क्रिमिनल होगा, तो उधर ही चलता हूँ, शायद उधर ही कहीं पे मिल जाएगा तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। और वो लोगों ने देखा था कि रेड क्रिमिनल ने गाड़ी चोरी नहीं की थी, चोरी तो मैंने की थी ना, मतलब कि गाइस मेरे कपड़े और रेड क्रिमिनल के कपड़े अलग है। तो गाइस उधर देखो पुलिस स्टेशन के बाहर कितने सारे पुलिसमैन से, मतलब कि गाइस गारंटी इधर ही होगा हमारा रेड क्रिमिनल, क्योंकि नॉर्मली इतनी पुलिस तो होती नहीं है। और गाइस मुझे लगता है इसके अंदर जाना ही पड़ेगा, मतलब कहीं ऊंची जगह पे जाना पड़ेगा जहां से मैं देख सकूं। तो गाइस फाइनली मैं इस बिल्डिंग के ऊपर आ चुका हूँ, और ऊपर आने के बाद इधर चढ़ जाता हूँ गाइस, सामने ही पुलिस स्टेशन है, आप लोग देख सकते हो। तो चलो गाइस स्कोप करके देखते हैं, और विदाउट स्कोप भी दिख रहा है कि गाइस अंदर कोई ना कोई तो है। गाइस देखो ये रेड रेड तो गाइस रेड क्रिमिनल ही लग रहा है, पर यार पूरी तरीके से स्कोप करने दो। अरे गाइस ये तो रेड क्रिमिनल ही है, और गाइस पुलिस वालों ने इसको घेर के रखा है, गाइस अरेस्ट कर लिया है भाई। यहाँ से ये पुलिस वालों का टकला दिख रहा है, क्या गाइस मार दूं? पर गाइस मैं इधर से मारूंगा तो नीचे देख सकते हो बहुत ही ज्यादा पुलिस वाले है, मैं इन्हें मार तो दूंगा फिर मैं बच नहीं पाऊंगा, क्योंकि गाइस वो लोग मुझे और रेड क्रिमिनल दोनों को मार देंगे, तो क्या फायदा इधर से मारने का। तो चलो गाइस नीचे चलना पड़ेगा, और ये वाला जो मिशन है मैं अकेले कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा, मुझे तो नहीं लगता गाइस कोई दूसरा चाहिए ही होगा, क्योंकि गाइस देख सकते हो इधर पीछे कितने पुलिस है, और एक बार सामने से भी आपको दिखाई देता हूँ, देखो गाइस इधर भी कितने सारे पुलिस है। तो इधर से जल्दी जाना पड़ेगा, अगर मैं इधर ज्यादा घूमूंगा तो इनको भी शक हो जाएगा, क्योंकि मैंने ही शायद कोई हूं मैं चोरी करने वाले का। यार काफी दिनों से मैंने सिंचेन को नहीं देखा है, अगर वो तो मैं अपने आराम से मतलब इनको हरा सकता हूँ। गाइस उधर कोई है खड़ा हुआ, देखो गाइस लाल लाल कलर का, यार एक बार स्कोप करके देखना पड़ेगा। चलो स्नाइपर से स्कोप करके देखता हूँ आखिर है कौन वो। यार ये लाल फुग्गे जैसा तो अपना सिंचेन ही लगता है, और ये गाइस ठीक से देखो ये तो सिंचेन है अपना, पर ये इतने दिनों से था कहाँ। चलो गाइस इसके पास जल्दी से जल्दी चलते हैं, नहीं तो गाइस ये फिर से भाग जाएगा। और ये करीब करीब 2 महीनों से घर पे आया नहीं है, और भाई ये कहाँ घूम रहा था क्या पता यार, इसकी कितनी ज्यादा फिक्र हो गई थी, इसको कोई मतलब हमारी पड़ी नहीं है भाई। और आज कुछ भी हो जाए ये सिंचेन को जाने नहीं देंगे, क्योंकि गाइस ये हमारा बहुत ही अच्छा दोस्त है रेड क्रिमिनल, और मैं इसके
बहुत दिनों से ढूंढ रहे थे। और सिंचन कहाँ था भाई इतने दिनों से, और कहाँ चला गया था तू? मेरा नाम है सिंचन नोहाला, पर तुम कौन हो? अबे सिंचन मुझे भूल गया क्या? मैं इतना भी कुछ खास नहीं। अरे सिंचन मजाक छोड़, हमारा दोस्त रेड क्रिमिनल अभी पुलिस के गिरफ्त में है, उसे कैसे भी करके छुड़ाना पड़ेगा, चल मेरे साथ। अरे एडम भैया ये क्या बोल रहे हो, जल्दी चलो नहीं तो पुलिस वाले रेड क्रिमिनल को मार के उसकी नानी याद दिला देंगे। यार सिंचन हम रेड क्रिमिनल को तो बचा लेंगे, पर तू इतने दिनों से था कहाँ पे, कहाँ गया था तू? अरे भैया दरअसल ना मैं अपनी गर्लफ्रेंड के घर पे गया था और उसने मुझे छोड़ दिया, घर से निकाल दिया। अरे मैंने तो तुझे पहले ही बोला था तेरे पास पैसा है इसके लिए तेरी गर्लफ्रेंड है तेरे साथ। यार सिंचन हम रेड क्रिमिनल को बचाएंगे कैसे, गाड़ी से तो बचा ही नहीं सकते उसको। जब सिंचन हो साथ तो डरने की क्या बात है एडम, एक बार तुम अपने साइड में तो देखो। अरे ये क्या है भाई, सामने तो हेलीकॉप्टर है भाई, तू कहाँ से लाया ये हेलीकॉप्टर? भूले भाई वो गर्लफ्रेंड भी मेरे साथ पैसों के लिए थी, बहुत पैसा है मेरे पास। यार सिंचन आज तो तूने कमाल ही कर दिया भाई। मैं इतना भी कुछ खास नहीं। यार सिंचन तू तो कभी नहीं सुधरेगा, चल जल्दी जल्दी चलते हैं, उसको बचाना भी पड़ेगा हमारे रेड क्रिमिनल को। और मैंने सुना है जो आर्मी के पुलिस है ना बहुत ही ज्यादा टॉर्चर करते हैं, जल्दी आना सिंचन। हाँ एडम भैया जल्दी जल्दी चलो, उस रेड क्रिमिनल को बचाना भी पड़ेगा। यार वो तो ठीक है, पर ये हेलीकॉप्टर चलाते कैसे मुझे नहीं आता ठीक से, और ये उड़ गया कैसे उड़ा भाई? अरे अरे भैया ऊपर लो, ऊपर साइड में लो, साइड में। अबे कहाँ पे लो, सही से बोलना भाई। अरे ये हेलीकॉप्टर ठीक से कंट्रोल नहीं हो रही। अरे अरे ऊपर कहाँ जा रहा है, अबे नीचे कहाँ जा रहा है? अरे भैया मुझे तो लग रहा है आज हमारी लास्ट फ्लाइट है ये तो। अरे सिंचन टेंशन मत ले, मैंने अपने गांव में बहुत सारे ट्रैक्टर चलाए थे, ये तो हेलीकॉप्टर ही आराम से चला लूंगा। पर ये ऊपर नीचे क्यों हो रहा है भाई? हे भगवान मैंने जितनी भी गलती की थी सारी माफ कर देना। अबे सिंचन टेंशन मत ले, आज रेड क्रिमिनल को बचा के रहूंगा, लेकिन पहले हम तो बच जाए। मैं 5 साल का सिंचन लगता है मानने वाला हूँ। अरे सिंचन जब तक तू मेरे साथ बैठा है ना तेरे को कुछ भी नहीं हो सकता, तू देखता जा बस। अरे तुमने इसे कंट्रोल कैसे किया? अरे अरे ये क्या कर रहे हो? अरे जरा स्टेरिंग से हाथ चला गया था, टेंशन मत ले, अब तो हमारी जो हेलीकॉप्टर है ना रेड क्रिमिनल के पास जाके रुकेगी। हाँ बस भगवान के पास जाके ना रुक जाए। तो गाइस फाइनली हम रेड क्रिमिनल के पास आ चुके हैं। अरे हाँ भैया मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा। अरे सिंचन तू साइड में जाके खड़ा हो जा बस, मैं ये पुलिस वाले को मारता हूँ और अपना रेड क्रिमिनल को लेते हूँ। भैया ये क्या कर रहे हो? अबे नूबड़े तू अपनी जगह पे रहता ना चुपचाप, चलो गाइस सारे पुलिस वाले को मार दिया, चल रेड क्रिमिनल जल्दी जल्दी उठ जा। भैया तुमने मारा क्यों मुझे, मैं नहीं जाऊंगा तुम्हारे साथ। अरे रेड क्रिमिनल चुपचाप चला जा, उधर शाकुड़ी है। कहाँ है शाकुड़ी? अरे हेलीकॉप्टर के अंदर ही है, जल्दी आ जा। अरे ऐसी बात है क्या, मैं अभी आ रहा हूँ। अरे तुम लोग जल्दी हेलीकॉप्टर के ऊपर आओ, और देखो 3 स्टार लग चुका है हमारा हेलीकॉप्टर, कभी भी फूट जाएगा, ये बहुत सारे पुलिस आ चुके हैं हमारे पास। भैया जल्दी जल्दी उड़ाओ, ये लोगों ने मुझे बहुत मारा है, यही तो फिर से पकड़ लेंगे तो बहुत मारेंगे। लेकिन भैया 1 सेकंड, तुम्हें तो हेलीकॉप्टर चलाना आता ही नहीं तो चला कैसे रहे हो? अबे रेड क्रिमिनल तुझे तो पता ही है गांव में मैंने कितने अलग अलग तरीके के ट्रैक्टर को चलाया है, तो ये हेलीकॉप्टर क्या ही है? भैया वो ट्रैक्टर था, ये हेलीकॉप्टर है। अरे हाँ यार मैं भी तो वही कह रहा हूँ, वो तो ट्रैक्टर था, ये तो भी हेलीकॉप्टर है। भैया इसको तुम डांसिंग कार कहाँ बना रहे हो, एक बार ऊपर एक बार नीचे, ये क्या कर रहे हो तुम? अरे सीधे सीधे तो सभी जाते हैं, ऐसे ऊपर नीचे करके जाएंगे ना तो ही उसमें मजा है। अरे ऊपर स्टार्स को देख, लगता है पुलिस वाले हमारा पीछा छोड़ने वाले हैं बहुत ही जल्दी। अरे हाँ भैया लगता है वो लोग हमारा पीछा छोड़ देंगे। अगर गाइस पुलिस वाले हमारा पीछा छोड़ देते तो सभी बंदे लाइक कर देना, और लगता है अभी छोड़ने ही वाले हैं। और ये क्या हो रहा है भाई, अभी भी दिखाया जा रहा है ये तो। भैया हेलीकॉप्टर को स्पीड से दूर लेके जाओ तो ही वो लोग हमारा पीछा छोड़ेंगे। अबे तूने हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर समझाया क्या, मैं स्पीड से चलाऊंगा, इसकी स्पीड इतनी है। भैया ये देखो सिंचन तो बेहोश हो गया है। अबे ये क्या बोल रहा है भाई, अबे सिंचन उठ जा भाई उठ जा, कहाँ बेहोश हो गया है तू, पानी दे उसके मुंह में पानी दे। लेकिन 1 सेकंड इसकी आंखों को देख, ये तो नाटक कर रहा था। मैं इतना भी कुछ खास नहीं। गाइस ये सिंचन तो नहीं सुधरेगा, वैसे हमारा पीछा पुलिस ने छोड़ दिया है, तो चलो गाइस प्लेन को नीचे उतारता हूँ। अरे अरे भैया ये प्लेन नहीं हेलीकॉप्टर है। ज्यादा मत सिखा, बस इतना सिखा ये प्लेन को उतारते कैसे है। भैया आपको ये पता नहीं है क्या, अरे कहाँ डाल रहे हो प्लेन को, अरे टूट गया प्लेन तो। अरे पानी के पास टूटा है, चलो गाइस पानी में तो बच जाएंगे शायद, और आग नहीं लगी अच्छा हुआ। भैया पूरा हेलीकॉप्टर तो पानी में गिर गया, अब मुझे टहलना भी ठीक से नहीं आता, जल्दी जल्दी आ। इसे बोलते हैं क्रैश लैंडिंग कराने के बाद भी बचाना। तो गाइस आज तो ये दोनों को क्या ही बचाया हूँ, एक तो सिंचन को भी टहलना आता है और रेड क्रिमिनल को तेरे को भी टहलना आता है, तू बस मेरे को देखते रहे, क्योंकि जब मौत सामने होती है तब तो सबको सब कुछ आ ही जाता है। चल भाई मेरे पीछे पीछे जल्दी आ जा, और भाई रेड क्रिमिनल को जान पे खेल के बचाने के लिए इस वीडियो को एक लाइक तो बनता है। अरे एडम भैया अगले जन्म में मछली थी क्या, इतनी जल्दी कैसे तैर रहे हो तुम? अरे तुझे पता नहीं गाँव में ट्रैक्टर जब चलाता था तब ये पानी में ही चली जाती थी मेरी ट्रैक्टर। मतलब कि भाई तुम बचपन से ही हैवी ड्राइवर थे। ये सब छोड़ो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी जल्दी सभी इस वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना यार, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दो, नेक्स्ट वीडियो जल्दी से डाल दूंगा मैं। हाँ, सभी लाइक कर देंगे भाई, टेंशन मत लो। तो बाय बाय गाइस।